Hello everyone, welcome again to our educational channel. Today in this video we'll be doing a poem from unit 3 of class 10th Maharashtra board, that is 3.4, The Will to Win. This poem is written by Burton Brellet. He is the poet of this poem. Before understanding this poem in detail, we'll study certain facts about the poet and about the poem. Okay, so if you are still new to my channel, then kindly subscribe it so that you can get the notification of all the videos which I will be uploading. Iske pehle maine already bahut sare poems and lessons sikhaye hue hain, and I have also covered grammar section too. Mere playlist mein mention kiya hua hai, agar aapne subscribe nahi kiya hai, check nahi kiya hai, to aap check kijiye, aur maine description box mein bhi link diya hua hai. Okay, so first we'll see about the poet, certain facts about the poet. Burton Brellet, his lifespan was from 29th January 1882 till 23rd of January 1966. He was an American poet. Unki best known poem thi, The Will to Win, jo ek motivational poem hai, which we are going to study today. He has inherited his father's talent of writing. And he had shown his talent at a very young age of 11 years. 11 years ki age mein, he did his first work, jab unhone ek fairy tale likha, aur is fairy tale ka unhone heading diya tha, naam diya tha, why the grass is green. Wo hamesha se hi optimistic, positive person rahe hain, aur उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी, अराउंड 4000 वर्सेस भी लिखे हैं. वर्सेस का हम इंग्लिश में मीनिंग आप यहाँ पे स्टेंजास बोल सकते हो. पोएम के बारे में हम देखते हैं कि जो विल टू विन है वो एक मोटिवेशनल पोएम है. ठीक है, नाम से ही हमें पता चलता है विल मीन्स इच्छा और विन मीन्स जीतना, जीतने की इच्छा. और मेन थीम क्या है इस पोएम का कि पोएट क्या बोलना चाहते हैं कि अगर हमें इच्छा है कुछ पाने की तो हम और वो इच्छा हमारी सच्ची है और हम जितना तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए हमारे लाइफ में या हमारे गोल को अचीव करने की तरफ कितने भी हर्डल्स आए हमें उन्हें गिराना ही है, हमें उन हर्डल्स को पार करके जीतना ही है अगर हमारा विल पक्का होगा तो. तो व्हाट पोएट इज डिस्क्राइबिंग इन दिस पोएम, ही इज डिस्क्राइबिंग अस इन शॉर्ट ऑल दी क्वालिटीज दैट वी शुड हैव एंड ऑल दी थिंग्स दैट वी शुड डू इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस, इन ऑर्डर टू विन. ओके, जो भी हम चाहते हैं वो जीतना और उसको सक्सेस अचीव करने का क्वालिटीज क्या होनी चाहिए और क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए वो सब पोएट ने हमें इस लेसन में, इस पोएम में बताई हुई है. तो इस पोएम को स्टेंजा वाइज पढ़ते हैं. अगर आप 10th या 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो तो आप ये समझ लो कि आपको आपका गोल सेट करना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या अचीव करना है आगे, कौन से कॉलेज में जाना है, तो उसके लिए कितनी आपको हार्डवर्क करनी पड़ेगी, कितना पढ़ाई करना पड़ेगा और उसके लिए आपको क्या क्या डिवोशन देना है. ठीक है, तो ये पोयम आपके लिए भी है, आपको एनकरेज करने के लिए. अगर आप कुछ बहुत बैडली चाहते हो, अगर आप कुछ बहुत बैडली चाहते हो, हर स्टेंजा को पोएट ने इफ़ से स्टार्ट किया, कंडीशन रखा है कि इफ़ यू विल डू दिस, इफ़ यू विल हैविंग, इफ़ यू विल बी हैविंग सच काइंड ऑफ क्वालिटीज देन यू कैन अचीव सक्सेस. ओके, तो पोएट क्या बोलते हैं कि अगर आप कोई चीज़ को बहुत बैडली चाहते हो कि वो आपको चीज़ मिले, निकलो बाहर, फाइट करो उससे, दिन रात काम करो आप उसके लिए, आप उस चीज़ को पाने के लिए अपना टाइम दे दो, अपना पीस दे दो, अपनी नींद दे दो, अपना सब कुछ दे दो, आप बहुत मेहनत करो. इन शॉर्ट ही वॉन्टेड अस टू से दैट कि बहुत ज़्यादा मेहनत करो और उस चीज़, अगर आपने मेहनत की, आपने ये सब दे दिया तो आपको सक्सेस मिलेगी ही, आप विन करोगे ही. नेक्स्ट स्टैंजा, इफ ओनली डिजायर ऑफ इट मेक्स यू क्वाइट मैड इनफ, सिर्फ उस चीज के पान इच्छा ही, उस चीज की डिजायर ही आपको इतना खुश, इतना पागल बना देती है कि आप कभी थकते नहीं हो, उस चीज को पाने की कोशिश से आप कभी थकते नहीं हो. मेक्स यू होल्ड ऑल अदर थिंग्स टॉर्डरे, टॉर्डरे मीन्स अनइम्पॉर्टेंट, जिसकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. तो अगर वो चीज की इच्छा, पाने की इच्छा आपको बाकी सारी चीज़ों की इम्पोर्टेंस भुला देती है, मतलब वही चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है ऐसा आपको समझना है, तो और बाकी सारी चीज़ें चीप हैं, बाकी सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं, बाकी सारी चीज़ें यूजलेस है, तो आप सक्सेस अचीव कर सकते हो अगर आप ऐसा डिज़ायर रखते हो तो. आगे वो क्या बोलते हैं, इफ़ लाइफ सीम्स एम्प्टी, इफ़ लाइफ सीम्स ऑल एम्प्टी एंड यूजलेस विदाउट इट, अगर लाइफ पूरा
एम्प्टी लगता है, आपको ऐसा लगता है कि उसके बिना, वो चीज़ को पाए बिना लाइफ पूरा एम्प्टी है, यूजलेस है। एंड ऑल दैट यू स्कीम, स्कीम का मतलब है प्लान, और आपने जो भी प्लान किया है और ड्रीम किया है उसके बारे में, सब कुछ आप रेडी हो, आपने प्लान किया हुआ है, आपने सपना देखा है उस चीज़ का, और आपको लगता है कि उसके बिना हमारी जो लाइफ है, मेरी जो लाइफ है वो यूजलेस है, मुझे वो पाना ही है, तो आप उसको पा सकते हो, तो आप सक्सेस अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट टेंजा, इफ ग्लैडली यू विल स्वेट फॉर इट, फ्रेट फॉर इट, प्लान फॉर इट, और बहुत खुशी से आप उस चीज़ को पाने के लिए पसीना बहाते हो, आप मेहनत करते हो, फ्रेट मेहनत करते हो और प्लान करते हो, लूज ऑल योर टेरर, आप पूरा डर अपना खो देते हो, सब कुछ खत्म कर देते हो, अपना अपने अंदर जितना भी डर है आपको वो सब आप खत्म कर देते हो, तो आप उस चीज़ को पा सकते हो। ठीक है, आगे स्टेंजा देख लेते हैं। इफ यू सिंपली गो आफ्टर दैट थिंग दैट यू वॉन्ट विथ ऑल योर कैपेसिटी, स्ट्रेंथ एंड सेगेसिटी, अगर आप उस चीज़ को पाने के लिए उस चीज़ के पीछे जाते हो, सब कुछ अपना, अपने आपके पास जो सब है वो सब कुछ लगा देते हो, जैसे आप अपनी पूरी कैपेसिटी, पूरी स्ट्रेंथ, पूरी कैपेसिटी, आप पूरी ताकत, पूरी स्ट्रेंथ लगा देते हो, पूरी सेगेसिटी मतलब पूरी इच्छा आपकी, जितनी भी सेगेशियस होना, उसे सेगेसिटी बोलते हैं, आपकी जितनी भी इच्छा है, ठीक है, जितनी भी ताकत है, आप जितना भी डिज़ायर है वो सब उसके पीछे, उसको पाने में लगा देते हो, फेथ, होप, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें, स्टर्न, स्टर्न मीन्स स्टेबल रहना, ठीक है, पर्टिनेसिटी, आप उसके उस पक्का रहना, ठीक है, अगर आप ये सारी चीज़ों को रखते हो, वो सारी चीज़ें लगा देते हो, आप उसके पीछे लगा देते हो, किसके पीछे, जो चीज़ आपको चाहिए, तो आपको सक्सेस मिलेगी। इन शॉर्ट पॉइंट हमें बोलना चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी, बट आपको सब कुछ उसके पीछे लगाना पड़ेगा, मतलब आपकी पूरी मेहनत, ईमानदारी, कैपेसिटी, सेगेसिटी, आपकी फेथ, कॉन्फिडेंस, सब कुछ होना चाहिए। इफ नीदर कोल्ड ऑफ कोल्ड पॉवर्टी, कोल्ड पॉवर्टी मीन्स पुअर होना, फैमिश्ड भूखा रहना, गॉन्ट नॉर सिकनेस मतलब वीक होना, गॉन्ट मीन्स वीक होना, नॉर सिकनेस नॉर पेन ऑफ बॉडी और ब्रेन, अगर आपको कैन टर्न यू अवे फ्रॉम द थिंग दैट यू वॉन्ट, अगर आप ऐसा है कि आप आपके लाइफ में वो चीज़ पाने के लिए ये हर्डल्स कुछ काम नहीं करते हैं, अगर ये हर्डल्स आपके रास्ते में आते हैं और आप इनको पार कर लेते हो, जैसे अगर आपको हर्डल्स से फर्क नहीं पड़ता है, हर्डल्स क्या बताई है, एक पॉवर्टी, सपोज आपको फिनेंशियल प्रॉब्लम्स है, आप भूखे रहकर भी, आप भूखे हो या आप वीक हो, आपकी बॉडी वीक है, आप बीमार हो, आप दर्द में हो, आपकी बॉडी या ब्रेन दोनों में से कोई दर्द में है, तो भी आपको ये सारी चीज़ों के बाद भी आप मेहनत करते हो और उस चीज़ को पाने की इच्छा रखते हो, ऐसा है, अगर ये सारी चीज़ें भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाती हैं, आपको अपने रास्ते से भटका नहीं रही हैं, तो आप सक्सेस अचीव कर पाओगे। तो पोइट बोलना चाहते हैं ये सारी चीज़ों से घबराओ मत, ये सारी चीज़ें आपको दूर रखती हैं आपके डेस्टिनेशन से, अगर आप इन चीज़ों से भी पार कर लेते हो तो आप सक्सेस अचीव कर पाओगे। इफ डॉग्ड एंड ग्रिम यू बिसेज एंड बिसेट इट, डॉग्ड मीन्स डटा रहना, ग्रिम का मीनिंग भी सेम ही है, डटा रहना, कि आप मोल्ड मत हो जाना, अगर आप डटे रहते हो अपने ही गोल पे, अपने ही इच्छा पे, अपनी ही वो चीज़ जो आपको हासिल करनी है, आप उस पे डटे रहते हो और आप उसी चीज़ों को, बिसेज मीन्स सराउंड करना और बिसेट मीन्स उसे हासिल करना, तो आप उसी को ही सराउंडिंग में अपने, मतलब आपके आजू बाजू में सिर्फ वही चीज़ का ख्याल है, सिर्फ वही चीज़ दिखाई दे रही है आपको कि आपको वही चीज़ को पाना है, तो आप उस चीज़ को हासिल करके रहोगे। तो पोएट हमें क्या बोलते हैं, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, फेथ रखो, आप खुद को मजबूत रखो, पूरी कैपेसिटी लगा दो, पूरी ऑनेस्टी से काम करो, और जितने भी हर्डल्स आते हैं आप उनको अपने रास्ते को रोकने मत दो, तो आप सक्सेस अचीव कर पाओगे। अगर आपके अंदर विल होगी ये सब करने की तो आप विन होगे ही। आपको अगर ये पोएम समझ में आई तो आप प्लीज़ मेरे लेक्चर्स, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।